चंदौली पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। जीआरपी मुगल सराय द्वारा चेकिंग के दौरान एक असलाहा तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ में मामला सामने आया कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय मुगल सराय जंक्शन पर जीआरपी इंस्पेक्टर आरके सिंह अपने जवानों के साथ आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए बड़े पैमाने पर चेकिंग अभियान चला रहे थे। स्टेशन के प्लेटफार्म संख्या 2 पर हावड़ा इन की तरफ जीआरपी जवानों को एक युवक संदिग्ध अवस्था में दिखा। जीआरपी जवानों को अपनी तरफ आता देख युवक घबराने लगा, जिससे जीआरपी जवानों को शक हुआ। युवक के पास पहुंचे जवान जब युवक के बैग की तलाशी लेने लगे तो बैग में रखा सामान देखकर भौचक्का हो गए। बैग में 4 पिस्टल और 8 मैगजीन रखा हुआ था। युवक को जीआरपी थाने लाकर जब पूछताछ की गई तो पकड़े गए युवक ने अपना नाम राजन सिंह निवासी मरहत जनपद आजमगढ़ का निवासी बताया। युवक ने यह भी बताया कि वो बिहार के सुल्तानगंज और मुंगेर से असलहा लाकर पूर्वांचल में सप्लाई करता है। जीआरपी इंस्पेक्टर ने बताया कि आरोपी के पास से 4 पिस्टल और 8 मैगजीन बरामद हुआ है। ये एक राजन सिंह नाम का अभियुक्त पकड़ा गया है, जिसके पास से 4 पिस्टल बरामद हुई और 8 मैगजीन, और ये आजमगढ़ का रहने वाला है, जो मुंगेर से आजमगढ़ लेके जा रहा था, जो चेकिंग के दौरान अरेस्ट किया गया है। सर, पे लोकसभा चुनाव है, क्या लग रहा है कि इसका इस्तेमाल लोकसभा चुनाव में किया जा सकता था? अब इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन इस संदर्भ में और अभी जानकारी की जा रही है और इसकी सारी डिटेल उच्च अधिकारीगण को भी अवगत करा दिया गया है।